ऑक्सीजन लिमिट्स में सुबानपुरा में एक फायर एक्सीडेंट हुआ, मैं आज विजिट करा यहाँ पे। फेरोजपुर के जो ओनर है वो उनका लकड़ी का कारखाना फर्नीचर शॉप है, उसका गोदाम यहाँ पे फर्नीचर बना के यहाँ स्टोर करे थे, तो उसमें फूम जो रहता वो पेट्रोल केमिकल से बनता थे। तो हम विजिट करे तो वो बाजू एक अपना वेल्डिंग का कारखाना भी है, और उससे या चिंगारी गिरी या फिर या शॉर्ट सर्किट हुआ, सीसी फुटेज भी लेके वो वेरीफाई करते। बहरहाल अलहमदिल्ला कुछ जानी नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा माली नुकसान हुआ, और टाइम पे हमारे एमएम के कारपेंटर फेरोज दफा खान साहब और दूसरे लोकलिटी के जमील भाई, ये सब मिलके वो सिलेंडर्स बाहर निकाल के कहते, इनकी एक अलर्टनेस से हमको एक बहुत जानी नुकसान से हम बच गए। मैं इनका जो सिविलियंस यहाँ पर काम किया उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे पुलिस इंस्पेक्टर हबीब नगर और एसीपी फयाज भी यहाँ पे आके, और अपने फायर स्टेशन के लोग भी जो मदद करें, हम उसके तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आइंदा भी इसी तरह करेंगे हम पुलिस की तरफ से पचनामा करके, जो भी एमआरओ गवर्नमेंट की तरफ से इंडोनेशिया के लिए कुछ कार्रवाई करना है तो हम पूरा उस पर ताउन करके उनको गरीबों की मदद करेंगे। सर, ये बस्तियों में रेजिडेंशियल एरियाज में ऐसे गोडाउन वगैरह 6 महीने पहले नीलोफर के पास भी एक हादसा ऐसा हुआ था, तो इस पे क्यों पुलिस या फिर जो है फायर वाले एक्शन नहीं लेते हैं? जीएचएमसी वाले भी इंस्पेक्शन बोलते हैं मगर कोई कार्रवाई नहीं करते इसके ऊपर। इसके ऊपर अब मैं नोटिस में आया तो इसके लिए मैं रिपोर्ट लिखूंगा। ये गिलास फैक्ट्री और ये कारखाने जो बिल्डिंग के और ये फर्नीचर के कारखाने हैं, आप बोले सर ये लोग रेजिडेंशियल लोकेलिटी में से ऐसे एक एक्सीडेंट्स होते रहते, लिहाज से हमको अपने ह्यूमन नेचर में ऐसा नहीं रहना चाहिए। हम इसके लिए कार्रवाई करेंगे, रिपोर्ट लिखेंगे कंसर्न डिपार्टमेंट पे, जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है ना, उनको रिपोर्ट लिख के उसके लिए।